लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाने वाले पत्रकार जनता एवं आम आदमी के अधिकारों के लिए हर लड़ाई लड़ने को तैयार रहते हैं। जहां गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपनी बात को आगे नहीं रख पाते, तब पत्रकार उनके हित और न्याय के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर बड़ी बेबाकी के साथ उनका पक्ष रखते हैं। परंतु आज पत्रकार जब किसी भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए खबर बनाता है तो उसे रोकने के लिए धमकी, झूठी FIR में फंसाने, मारपीट जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जिससे पत्रकार इन वर्गों से भयभीत है। जिसको देखते हुए छत्तीसगढ़ के केदार पुलिस थाना में आयोजित जन चौपाल में सारंगढ़ रायगढ़ क्षेत्र के 50 से भी अधिक पत्रकारों ने SP संतोष सिंह को पत्रकारों की स्थिति से अवगत कराया। इस दौरान अपनी सुरक्षा की मांग की गई। बता दें कि विगत कुछ दिन पहले भी पत्रकार अमितेश केशरवानी, जो बड़ी बेबाकी के साथ भ्रष्टाचारियों पर खुलकर कलम चलाते थे, उनके खिलाफ सरपंच संघ के द्वारा ब्लैकमेलिंग, अवैध वसूली जैसे मामले पंजीबद्ध कराए गए थे, जिसे पत्रकारों ने एक बड़ी साजिश बताया है। पत्रकारों ने इस पर गहन जांच की मांग की है, जिस पर SP संतोष सिंह ने मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हुए CSP रैंक के अधिकारियों से जांच कराने की बात कही है। सारंगढ़ से संवाददाता श्याम कुमार पटेल की रिपोर्ट। नया थाना केदार अभी बना है, कई सारी चीज़ें यहाँ जरूरत की आवश्यकताएं भी हैं, जिसको भी लोगों ने इसको उठाया है। पुलिस का समर्पण अभियान पूरे ज़िले में चलाया जा रहा है, जिसके तहत वृद्धजनों को और सीनियर सिटीजन के लिए पुलिस द्वारा संवेदनशीलता के साथ उनके लिए कई सारे आयोजन किए जा रहे हैं। आज कुछ वृद्धजनों का यहाँ सम्मान भी किया गया। आगे आने वाले समय में भी हम लोग वृद्धजनों का सदस्यता फॉर्म करके भरवा के उनकी समय समय पर उनको थाने में बुला के या उनके पास जाके उनकी समस्याएं सुनी जाएगी। इस तरह का जन चौपाल का उद्देश्य ये रहता है कि लोगों के बीच एक चलित थाना की तरह उनकी बात वहाँ जाके सुनी जाए, साथ साथ आसपास के लोग जो अपनी बात भी रख सकें। वैसे समय समय पे लोग जब नीचे थाने स्तर पे उनकी समस्याओं का निदान नहीं होता तो हायर ऑफिसर्स में आते हैं, लेकिन कई बार उनका आना संभव नहीं होता, तो इस तरह के चौपाल जो है उसमें लाभकारी सिद्ध होते हैं। सर, पत्रकारों ने भी कुछ अपनी समस्या रखी थी। सर, एक मामला हम लोग के पास यहाँ सारंगढ़ में एक FIR दर्ज हुआ है, जिसमें कुछ सरपंचों ने पत्रकारों के खिलाफ मामला दर्ज करा है। उस मामले को भी दोनों पक्षों द्वारा आज एक ज्ञापन दिया गया है। इसमें जो भी उचित कार्रवाई होगी, मामले को गंभीरता को देखते हुए एक DSP रैंक के अधिकारी को CSP रायगढ़ इसमें जांच अधिकारी बनाया गया है, और उसके हिसाब से हम लोग जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसको करेंगे। थैंक यू। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।